हेलो बच्चों, फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं हम लोग आज, वेक्टर्स। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चों, हम उनको दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो सेक्शन में कैटेगराइज करते हैं, और वो दो सेक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए लेकिन डायरेक्शन नहीं चाहिए, उन क्वांटिटीज़ को स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे टेम्परेचर को बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए आपको, डिस्टेंस को बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए आपको, स्पीड को बताने के लिए, वर्क को बताने के लिए, एनर्जी को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वालिटीज फिजिक्स में पढ़नी है जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए होगा लेकिन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, उन्हें हम लोग कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। बड़े सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि ऐसा क्या खास चेंज है इसके अंदर कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो ऐसा क्या चेंज आ जाता है इसके अंदर कि दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ता है। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, पहचान अपने आप हो जाएगी। इसके अंदर 3+3 जो होगा ना वो हमेशा 6 होगा, जबकि इसमें 3+3 0 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है भी 3 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर इस तरफ लग रहा हो और 3 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा हो, ये तो 3+3 मिलकर 0 ही बनेगा, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। अब 0 से 6 के बीच में लगा है, ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसके एडिशन होते हैं, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि इसमें सिंपल एडिशन नहीं होते हैं। तो इसके डेफिनेशन में एक बात और इंक्लूड की जा सकती है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और एडिशन जो होते हैं वो एक स्पेशल रूल से होते हैं। दैट स्पेशल रूल इज कॉल्ड ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे भी, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए वो बताया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए वो यहां से कुछ कुछ हमें समझ में आया। ये है फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में जो की गई है, कैटेगराइजेशन जो दो हिस्सों में की गई है, ठीक है जी। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कॉपी में डायरेक्शंस को शो कैसे करते हैं? डायरेक्शंस इन जनरल लाइफ, फिर मैथमेटिकल लाइफ में भी आएंगे कि कैसे डायरेक्शंस को शो करते हैं। एक बार जनरल लाइफ की बात करते हैं कि जनरल लाइफ में डायरेक्शंस को कैसे शो किया जाता है कॉपी के अंदर। जनरली हम लोग जब डायरेक्शंस की बात करते हैं तो बात करते हैं नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की और वेस्ट की। भी जिस तरफ सूरज उगता है वो ईस्ट हो गया, जिस तरफ छिपता है उस तरफ वेस्ट हो गया, नॉर्थ और साउथ आ गए। सिंपल सी बात है, कॉपी में नॉर्थ किस तरफ दिखाते हैं? ऊपर की साइड में, तो साउथ इस तरफ आ जाएगा। नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाओगे तो उसके राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। आया समझ में हमें? इसके अलावा कुछ डायरेक्शंस और हैं जो कि डिफाइन करनी आनी चाहिए। ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये सारी 45 डिग्री पर है। तो 45 डिग्री पर डिफाइंड है, लेकिन किसी ने कहा कि आपको 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को मार्क करना है। तो हाउ टू मार्क इट, हाउ टू मार्क इट, इसको आप देखिए 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
नॉर्थ ऑफ ईस्ट का सिंपल सा मतलब हुआ कि आपको ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है 10 डिग्री पर, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आसान सी चीज है, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस तरीके से वो कह दे आपको कि 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ को मार्क करो तो कोई तुम्हें समस्या आएगी, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 15 डिग्री पर, ऐसे कोई मर्जी डायरेक्शन दी हो तुम लोग मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। अब देखने की बात है कि सारी डायरेक्शंस कवर होगी। अब सपोज करो हम लोग एक ग्राउंड में खड़े हैं और ग्राउंड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी मार्क करना है वो मार्क कर दिया। अब कौन सी डायरेक्शन और बचती है हमें बताने के लिए? अब डायरेक्शन बचती है समझने के लिए, बारिश अगर आ रही है और हवा नहीं चल रही तो बारिश सीधा नीचे की तरफ आएगी, या एक गेंद को तुमने सीधा ऊपर की तरफ फेंका तो गेंद सीधा ऊपर की तरफ गई, तो या तो ना तो ये नॉर्थ में गई, ना साउथ में, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो इन डायरेक्शंस में रहेगी। तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? वर्टिकली अपवर्ड। और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दो डायरेक्शंस और बची हुई है इसके अंदर, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड को वर्टिकली आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि हम पेपर में शो कर रहे हैं। वर्टिकली आउटवर्ड शो करोगे तो उसको डॉट से शो करोगे। वर्टिकली डाउनवर्ड को वर्टिकली इनवर्ड भी बोलते हैं, वर्टिकली इनवर्ड बोलते हैं तो इसको क्रॉस से शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि डॉट और क्रॉस सिंबल क्यों नहीं है। लेकिन वर्टिकली अपवर्ड यानी पेपर के हिसाब से वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब पेपर के हिसाब से वर्टिकली इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन सारी कवर होती हैं इस तरीके से। तो पेपर में डायरेक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉपी के अंदर, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। डायरेक्शंस को मार्क करना हुआ, हम सबको समझ में आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया था। और ये अब वेक्टर्स की पूरी डिस्कशन है, चैप्टर का नाम ही वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स के बारे में पूरी बातचीत चलने वाली है। तो वेक्टर के बारे में बातचीत कर सके इसके लिए हमें सबसे पहले किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? डायरेक्शंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हमने डायरेक्शंस के बारे में बात की बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। Representation of a vector, बड़े आसान सी चीज है। सबसे पहले सिंबल वाइज बात कर लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, उसको कैसे शो करते हैं? कोई भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो आप एक वेक्टर का निशान लगा देंगे, कोई भी आपके पास वेलोसिटी है उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा देंगे, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ये सिंबल शो कर रहा है कि दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी दिस थिंग पोजेस टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो सिंबॉलिकली तो हम लोग इसको ऐसे प्लॉट करते हैं। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो कि वेक्टर है तो हम लोग इसको लिखते हैं यू, इसको ऐसे राइट करते हैं और बोलते हैं वेक्टर ए।
तो जो बोला जाए कि वेक्टर ए, तो आपको वेक्टर ए यू नहीं लिखना, ऐसे लिखना। सिंबल समझ में आना चाहिए, ये लाइन समझ में आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए लिखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी लिखिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, आपको डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर वेक्टर डी नहीं लिखना, ये सिंबल डालना है। तो सिंबलिकली वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी सिर्फ सिंबल का रिप्रेजेंटेशन बताया, रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके की चीज है, वो और बताऊंगा। लेकिन किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर वाइज ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द नोटेशन। ऐसे डिनोट किया जाता है वेक्टर को वेक्टर ए की फॉर्म में। आगे बढ़ जाते हैं, वेक्टर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन टू काइंड ऑफ है। सबसे पहला जो है वो है पिक्टोरियल, दोनों पैरल समझने पड़ेंगे, और दूसरा है मैथमेटिकल। दोनों बातें साथ साथ समझनी पड़ेंगी बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों बातें। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर कह रहे हैं हम लोग डिस्कशन में ले रहे हैं इसको, मैथमेटिकल के फॉर्मेट बहुत सारे बनेंगे, पिक्टोरियल का फॉर्मेट एक ही बनेगा। मैथमेटिकल के फॉर्मेट बहुत सारे बनाएंगे, बहुत सारे में पहला देखते हैं। मैंने कहा आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर नॉर्थ, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। थोड़ा समझिएगा इस बात को, इस बात को क्या समझना है कि ये जो वाला वेक्टर है ये डायरेक्शन को डिनोट नहीं करता। दिस थिंग डज नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, डज नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये सिर्फ ये बताता है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई एम नॉट राइटिंग इट लाइक दिस कि डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की दे रखी है, दिस इज रॉन्ग वे। ये सिर्फ ये डिनोट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन शो कैसे किया गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर को लिखने का पहला तरीका होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैंने इनटू डायरेक्शन बोला है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि डायरेक्शन को आगे जाके मैथमेटिकली निकालूंगा। अभी ये मैथमेटिकल डायरेक्शन नहीं है, अभी तो नाम दिखाई दे रहा है, आगे जाके थोड़ी देर में ये डायरेक्शन मैथमेटिकल हो जाएगी। हम लोग मैथमेटिकली डायरेक्शंस को शो करेंगे, अभी ये वर्डिंग की फॉर्म में लिखी हुई है ड्यू नॉर्थ, तभी कह रहा हूं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा चलेगा। है सारा का सारा आसान, लेकिन टर्मिनोलॉजी समझने वाली है, टर्म्स समझने वाली है कि क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। जैसे फोर्स बोला 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट, तो तुम्हारे दिमाग में एक डायग्राम बन जाएगा, हाँ यार 20 न्यूटन का फोर्स हमें शो करना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी 45 डिग्री जो मैंने थोड़ी देर पहले डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था उसके उस तरफ रिप्रेजेंट करना है। तो समझ में आ रही है हमें कुछ कुछ चीज की, मैथमेटिकली ये पहला रिप्रेजेंटेशन है, पहला रिप्रेजेंटेशन ये वाला हुआ। इसको मार्क कर लेते हैं कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। इसी को पिक्टोरियल से एसोसिएट करते हैं, इसी को पिक्टोरियल से एसोसिएट करते हैं। पिक्टोरियल को हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं बच्चों। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा इसको। एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक एरो से शो करना है। अब एरो से शो करना है तो एरो के अंदर दो बातें आएंगी। फर्स्ट बात, एरो की लेंथ कितनी हो, एरो की लेंथ कितनी हो, और दूसरी बात रिप्रेजेंट करनी होगी एरो की डायरेक्शन किस तरफ हो। ये दो बातें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। मैंने तुम्हें कहा समझने इस बात को कि दो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल की 10 मीटर नॉर्थ में, फिर 20 मीटर वेस्ट में। अब एक पार्टिकल की दो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कहा तुम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो तुम 10
मीटर नॉर्थ में शो करोगे, उसके बाद तुम्हें 20 मीटर वेस्ट में शो करना है, तो 20 मीटर का वेक्टर तुम चाहोगे कि इसकी डबल लेंथ का बनाओ, ताकि तुम सिंबॉलिकली समझ सको कि एरो की लेंथ की इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है और लेंथ की भी इंपॉर्टेंस है। अगर ये 10 मीटर तो ये 20 मीटर के लिए इसको डबल शो करना पड़ेगा, ये 10 मीटर तो इसको इसका लगभग डबल शो करना पड़ेगा। लेकिन दिमाग में क्लियर होगा कि अगर 10 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर है तो 20 मीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। या मैं इसको न्यूटन में लिखूं, 10 न्यूटन का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर है तो 20 न्यूटन का मतलब 2 सेंटीमीटर होगा, अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं। तो ये लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो एरो लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स, एरो की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्या क्या चीजें, एरो की लेंथ भी इंपॉर्टेंट है और एरो की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है हम सबको समझ में आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल पढ़ने अभी और पढ़ना है, इसके अंदर की डेप्थ है। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, समझ में आता है, नॉर्थ में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया, इधर गया उधर गया, ऐसी भाषा हमें समझ में आ रही है तो मार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया कि एरो से रिप्रेजेंट करना है, जिसमें एरो की लेंथ भी इंपॉर्टेंट और एरो की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एरो की लेंथ कितनी बनाऊंगा मैं, दिमाग में एक छोटा सा स्केल सपोज करूंगा, ऐसा एक रफ स्केल जिससे डायरेक्शन और सब चीज अच्छे से प्लॉट हो सके ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली, इसे ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोले जा सकते हैं। तो एरो की लेंथ किसको शो करेगी, मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और एरो की डायरेक्शन किसको शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करेगी। अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, मल्टीपल टाइम इसको देख लीजिए कि कैसा रिप्रेजेंटेशन है। अभी रिप्रेजेंटेशन में और जा रहे हैं, अब कुछ वेक्टर्स तुमसे प्लॉट करवा के देखते हैं कि हमें प्लॉट करने आ रहे हैं क्या। आपको लगेगा ये तो आसान सी चीज है, देखते हैं क्या चीज आती है। इसी की कुछ एग्जाम्पल्स पिक कर रहे हैं। सपोज करो मैंने तुम्हें कहा ये एक बॉडी है, ये ग्राउंड पे पड़ी है, दिस इज ऑन ग्राउंड एंड यू आर लुकिंग एट टॉप व्यू। आप इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ग्राउंड यही है, ये यू पड़ी है और हम ऊपर से देख रहे हैं, और मैंने मार्क कर दिया कि ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही है, कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मैं तुम्हें कह दूं दिस बॉडी इज एक्टेड बाय दीज फोर्सेस, रिप्रेजेंट देम, ये कुछ फोर्सेस शो किए, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने बताया ड्यू नॉर्थ, 20 न्यूटन का बताया ड्यू ईस्ट, 30 न्यूटन का बताया ड्यू साउथ ईस्ट, F4 की वैल्यू बताई मैंने 50 न्यूटन वेस्ट। कुछ वैल्यूज का सॉल्व रिजल्टेंट नहीं करना है, बस प्लॉट देम, इनको प्लॉट करना है हमें, इनको प्लॉट करना है। तो एक अलग से डायग्राम देखते हैं, क्योंकि टॉप व्यू बनाना है हम लोगों को, तो हम लोगों को इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास डायरेक्शंस थी, तो इन पे एरो की लेंथ को मार्क कर देंगे। तो पहला 10 मीटर नॉर्थ में है, तो 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन ये रही। तो सपोज करो 10 मीटर को मैंने इतना वेक्टर माना, ये 10 न्यूटन का वेक्टर हो गया, तो वेरी मच क्लियर 20 का वेक्टर जो ईस्ट में है इसका डबल लेंथ का होना चाहिए। मार्क देन ऑल्सो, ये प्लॉट करने के साथ साथ वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए, ये 10 न्यूटन गया जी, ये डबल लेंथ प्लॉट करने की कोशिश की है, तो रफ डायग्राम बन जाएगा 20 न्यूटन आ गया, 30 न्यूटन का साउथ ईस्ट में, तो इससे बड़ा इसका 3 गुना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये रही, तो ये 30 न्यूटन। अगला था 50 न्यूटन वेस्ट, तो इट शुड बी 5 टाइम ऑफ दैट वन, ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि बस ये प्लॉट करना है क्या। अब यही प्लॉट करना है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा ही प्लॉट करना पड़ेगा, इनके कैलकुलेशंस के बारे में सीखेंगे। अब समझ में आ रहा है कि इन सब का जोड़ जो होगा वो 50 और 30, 80 और 20, 100, 110 तो नहीं होगा, इसकी स्टोरी कुछ अलग तरीके से चलेगी। तो सिंपल एडिशन नहीं हो रहे, तो वैक्टर्स को अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है फिजिक्स के अंदर। तो कैसे पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के अंदर चल के सामने आएगा अपने आप, धीरे धीरे एड ऑन जैसे चीजों को करेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया कि इन सब का रिजल्टेंट 110 तो नहीं है जी, कुछ और स्टोरी बन के सामने आएगी, कैसे निकलेगा देखेगा दिखेगा हम सबको। अभी फिलहाल क्या समझ में आया, हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस,
और कैसे वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये मैथमेटिकल का फर्स्ट फॉर्मेट है। हमें ये क्लियर हुआ रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल कैसा था। अब इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसके अंदर भी पढ़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरी 11वीं पूरी 12वीं पूरी फिजिक्स थ्रू आउट काम में आएंगी वेक्टर क्वांटिटीज, तो आपको अच्छे से सीख रहे हैं इन चीजों के बारे में। मल्टीपल टाइम इन चीजों को पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा कि क्या वर्डिंग यूज की गई है, कि ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से आती है, इनटू डायरेक्शन बोला है। आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे अब हम लोग। अब सपोज करो बच्चों कि अभी आप लोग सारी चीजें ग्राउंड फ्रेम में देख रहे थे, अभी सारी चीजें कहां देख रहे थे हम लोग, ग्राउंड फ्रेम में। अब आप ग्राउंड फ्रेम से निकलिए और ग्राउंड फ्रेम से निकल के एक रूम के फ्रेम में आइए, ग्राउंड फ्रेम से एक रूम फ्रेम में आ गए, और एक रूम में आ जाने के बाद, एक रूम में आ जाने के बाद हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में पता नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा कमरा है फ्लैट यूं बना हुआ, लेकिन अब उसकी ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिसाइड नहीं कर पा रही है, और हमें कोई प्रॉब्लम डिस्कशन में लेनी है जिसके अंदर फोर्सेस भी लगाने हैं, चीज़ों के बारे में बात भी करनी है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसे हम लोग लैब फ्रेम बोलते हैं, रूम फ्रेम बोल सकते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम बोलते होते हैं जनरली एडवांस फिजिक्स की डेफिनेशन में। तो हम लोग एक रूम फ्रेम में आ गए हैं या फिर लैब फ्रेम में आ गए हैं, तो इसमें वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लैब फ्रेम में आ जाने के बाद बच्चों हमें एक रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करना होता है। लैब फ्रेम में आ जाने के बाद क्या डिसाइड करना होता है, एक रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करना होता है, और ये रेफरेंस फ्रेम तीन डायरेक्शंस को लेके चलेगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को यू शो किया 3D में, जेड वैसे किस तरफ है, वर्टिकली आउटवर्ड है, ये कहां पर है, वर्टिकली आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब पेपर के प्लेन के आउटवर्ड है। बहुत ही आसान से डिस्कशन है ये, एक्स वाई जेड इसको बोलते होते हैं माइनस एक्स, इसको बोल देंगे माइनस वाई, इसको बोल देंगे माइनस जेड। आसान सी चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। डायरेक्शन थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, अभी ड्यू नॉर्थ ड्यू साउथ ड्यू ईस्ट बोल रहे हैं हम लोग, थोड़ी देर में वेक्टर्स को डायरेक्शंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे, तो डायरेक्शंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में एक्स वाई जेड की डायरेक्शन डिसाइडेड है, कैसे डिसाइडेड है, एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से, इसे बोल क्या रहा हूं मैं, आई कैप, ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया इस टर्म का आई कैप। आई कैप क्या चीज है, डायरेक्शन है किसकी, प्लस एक्स की डायरेक्शन, ये क्या चीज है, डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स। कैसे यूज करना है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स इज I cap, तो direction of minus x क्या लिख दूंगा मैं, समझना पड़ेगा इसका बिल्कुल उल्टा लिखना पड़ेगा मुझे, that is minus I cap. What is direction of y, positive y की direction है j cap, तो minus y की direction क्या बन जाएगी, minus j cap. अभी direction नाम बोल रहा हूं, थोड़ी देर में इसका नाम फिर से एक नया लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि i j और k cap directions हैं, तो i cap j cap k cap और एक minus k cap। अब क्या मुश्किल आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको टर्म्स याद करनी है, एक्स डायरेक्शन आई कैप, एक्स डायरेक्शन आई कैप, माइनस एक्स डायरेक्शन माइनस आई कैप, वाई डायरेक्शन जे कैप, माइनस वाई डायरेक्शन माइनस जे कैप, जेड डायरेक्शन के कैप, माइनस जेड डायरेक्शन माइनस के कैप, सिंपल सी टर्म्स है बच्चों, ये समझ में आया हमें डायरेक्शन। अब मैं तुम्हें बोलूं कि एक फोर्स आपने एक्ट करवाना है 10 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो तुम कहोगे इसमें क्या समस्या है जी, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यही तो वेक्टर फॉर्म बताई थी, वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो फोर्स आ गया, बस इसमें ये यूनिट लास्ट में लिखते होते हैं, वी कैन राइट इट 10 आई कैप न्यूटन। दोबारा से सीख लो,
वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये तो वैसे ही शक्ल आ गई, यहां पर ये न्यूटन लिखा है, नॉर्थ नहीं लिखा, भूल मत जाना। ये क्या चीज है, ये लिखा हुआ है न्यूटन, फोर्स की बात की थी। एक एग्जांपल और लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर अलोंग पॉजिटिव वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, 20 जे कैप मीटर में। हमने कहा एक वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग माइनस जेड, तो क्या आंसर आएगा आप लोगों का, माइनस 30 के कैप मीटर पर सेकेंड आएगा जी। तो ये अपने आप शो कर रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, वेलोसिटी है, माइनस के कैप के लॉन्ग है। 30 मीटर पर सेकेंड इज मैग्नीट्यूड, माइनस के कैप इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक नंबर है, वैल्यू है, और डायरेक्शन किसी भी तरफ आ सकती है। तो अब आपने क्या सीखा, अब आपने सीखा मैथमेटिकल डायरेक्शंस के बारे में सीखा। मैथमेटिकली डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई कैप जे कैप के कैप से स्पेसिफिक डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस एक्स की डायरेक्शन आई कैप से, प्लस वाई की डायरेक्शन जे कैप से, प्लस जेड की डायरेक्शन के कैप से रिप्रेजेंट की जाती है। हम सबको ये समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, ये डायरेक्शंस के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी के अंदर इसको और आगे के लेवल पे लेके चलते हैं कि किसी वेक्टर को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब सपोज करो एक बार सिर्फ 2D की बात कर रहा हूं, एक बार सिर्फ 2D की बात कर रहा हूं, 2D स्ट्रक्चर की, इसमें आसानी से समझ में आएगा। मैंने बोला आपको कि आप एक प्लेन में चले, ओरिजिन से चलना शुरू किया आपने, आप ऐसे गए हो कि एक्स में आप गए हो 10 मीटर और वाई में गए हो 20 मीटर, एक्स में गए हो 10 मीटर वाई में गए हो 20 मीटर, तो आपको मार्क करना आ गया कि इसकी लेंथ 10 इसकी लेंथ 20, तो मुझे कुछ ये वेक्टर यूं शो करना है जी। मैंने क्या बोला, एक्स में 10 मीटर, वाई में थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, बच्चों क्या लिख रहे हैं हमने, 2D का एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स में 10 मीटर, y में 20 मीटर पार्टिकल में क्या, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखूं मैं, तो तुम कहोगे ये तो आसान सा है जी, 20 आई कैप प्लस 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर में, ये तो बिल्कुल आसान सी चीज आ गई। अब ये 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप आ गया तो तुम्हें कुछ बात समझनी होगी यहां पे, वो बात क्या समझनी होगी चेक करना, तुम्हें बात समझनी होगी कि क्या चेक करने वाली चीज है। 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप का वेक्टर तो आ गया मीटर में, लेकिन इसका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो ना तो 10 है ना 20 है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ अलग है। तुमको ये तो दिखाई दे रहा है जी, पाइथागोरस से आ जाएगा, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, तुम्हें दिखाई दिया कि इसका मैग्नीट्यूड आएगा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट। तुम्हें यहाँ पर एक नया सिंबल मिल गया, ये सर ने क्या मार्क किया है, ये मार्क किया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सीखना बच्चों, ध्यान से सीखना सारी चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया 5 10 root 5, अंडरूट 500 का क्या लिखते हैं हम लोगों ने 10 root 5 मीटर में, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। हाँ यार ये लंबाई तो 10 root 5 की होगी, इतना गया। अब ये मैथमेटिकल डायरेक्शन नहीं पता, तो यहां से कुछ बातें जो आपको क्लियर करनी है बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। मैंने बोला एक पार्टिकल x में गया y में गया, तो तुमने कहा कि वेक्टर ये लिखूंगा जी, वेक्टर का फॉर्मेट समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि वेक्टर की लंबाई कुछ यूं आएगी, फिर समझ में आया कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अब 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये भी बोलना संभव नहीं लग रहा, आसान काम नहीं लग रहा, क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो है नहीं, तो डायरेक्शन का फॉर्मेट भी मैथमेटिकल आएगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन लिखने जा रहा हूं, आराम से सीखेंगे इसके बारे में, चेक करते हैं कि क्या बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस एग्जांपल को आपको कम से कम 5 से 6 बार समझना है, कम से कम 5 से 6 बार इस एग्जांपल का रिपीटेशन करना है। देखिए कैसे रिपीटेशन होगा, क्या बात करेंगे, इसको दोबारा से देखते हैं, इसी तरह की चीज को फिर से देखते हैं। सपोज करो दोबारा से बात करते हैं, ये अभी वापस 2D की बात कर रहा हूं एक बार और, एक्स वाई डायरेक्शंस हैं, ठीक है जी,
और सपोज कीजिए मैंने कहा कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, अब वो एक कैरम के वाइज चीज ले लो, कोई कैरम खेला जा रहा है और कैरम में कोई कॉइन है, वो कॉइन इस तरफ जा रहा है, इस तरफ यूं। अब वहां वाले ने खेला, मैं इस तरफ ओरिजिन में आके बैठा था, मैं यहां बैठा हूं, सामने वाले ने स्ट्राइकर से कुछ खेला तो वो कॉइन कहीं इस तरफ जा रहा है, तो समझना यू जा रहा है तो एक्स में पॉजिटिव वाई में नेगेटिव जा रहा है वो कॉइन। उछल के गिटी बाहर भी आ सकती है, वो कॉइन बाहर भी आ सकता है, तो जेड की वेलोसिटी भी आ सकती है। फिलहाल वो कॉइन इस प्लेन में जा रहा है, टूडी की बात कर रहा हूं, उसकी वेलोसिटी के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वेलोसिटी के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी, वो यू जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है प्लस एक्स के अलोंग, और 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है माइनस वाई के अलोंग। तो मैंने पहला क्वेश्चन तो तुम्हें दिया, इसका वेलोसिटी वेक्टर बता दो। तुमको क्या, इसका वेलोसिटी वेक्टर तो होगा जी 2i कैप और -1j कैप। अब ये -1j कैप कहां से आ गया भाई साहब, साफ दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी माइनस वाई के अलोंग है। अब बारी आएगी इसको मार्क कैसे करें। अब मार्क करना बिल्कुल आसान है, मार्क ओरिजिन से स्टार्ट करना शुरू करो, एक्स के अलोंग लंबाई 2 हो, वाई के अलोंग लंबाई 1 हो, तो वेक्टर शुड बी लाइक दिस। क्या शो करना चाहते थे आप? आप शो करना चाहते थे कि ये लंबाई 2 लूंगा और ये लंबाई 1 लूंगा। भैया ध्यान से समझना सब बच्चे, एक्स के अलोंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस वाई के अलोंग स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है क्या? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की लेंथ 2 1 शो नहीं की है, लेकिन एक्स के लेंथ अलोंग लेंथ 2 शो की है, वाई के अलोंग लेंथ 1 शो की है, लेकिन ओरिजिनल लेंथ उसकी 2 से बड़ी आएगी क्योंकि एक्स के अलोंग भी जा रहा है और वाई के अलोंग भी जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, मुश्किल नहीं है। वेलोसिटी ऐसी दे रखी थी तो हमें नोटेशन समझ में आ रहे हैं, हमें ये समझ। अभी अगर कोई कहे कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यों कह रहे हैं मैग्नीट्यूड लेंथ होता है? अगर ये लेंथ 2 की है, ये लेंथ 1 की है, तो ये लेंथ पक्का 2² + 1² √5 रही होगी, यानी उसकी नेट स्पीड √5 मीटर पर सेकेंड की रही होगी। हमें तो ये समझ में आ रही है बात कि एक्चुअली उसकी स्पीड √5 थी जी, एक्स में 2 से जा रहा था, माइनस वाई में 1 से जा रहा था। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को कंक्लूड करने की बारी आ रही है, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो कंक्लूड करने की बारी आ रही है। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बाद इसको हम लोग इस न्यूमेरिकल फॉर्म से निकाल के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ले जाएंगे। सपोज करो एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर नॉर्थ की, 3 मीटर एक्स की प्लस एक्स की, 6 मीटर माइनस वाई की और 2 मीटर प्लस जेड की। अब मैं 3D में आ गया हूं। अब कोई कि ये कैसे हुआ जी? सपोज करो ओरिजिन से चलना शुरू किसी ने किया, वो एक्स में भी गया, वाई नेगेटिव में भी गया, जेड में भी गया, एक्स में भी गया, वाई नेगेटिव, जेड में भी गया, तो तुम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखोगे? तुम कहोगे ये क्या, ये तो आसान सा काम हुआ जी, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप हुआ जी, इधर 3 गया, फिर 6 गया, फिर 2 गया, यानी आपके पास वेक्टर के लिखने का तरीका ये वाला आया, 3, 6, 2 गया, अलग अलग 3, 6, 2 नहीं गया, एक ही बार में वो यू गया, यू गया कि एक्स में 3 गया, माइनस वाई में 6 गया और जेड में प्लस 2 गया, प्लस जेड में 2 गया। तो अब यहां पर चीजों को खत्म कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, फॉर्मेट को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या बात इन सब चीजों से लिंक कर रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, बार बार एक ही बात है, ध्यान से सीखिएगा। इसका मतलब ये निकलता है मेरे बच्चों, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे फोर्स वेक्टर हो, कोई वेक्टर ए हो, उसे एक रिप्रेजेंटेशन सीखा था, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहला सीन था, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये पहला था, हमें यह समझ में आया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसको फिर से पिक करूंगा। फिर अभी अभी सीखा हमने कि लैब फ्रेम में एक्चुअली चीजें एक्स के अलोंग भी होती हैं, वाई के अलोंग भी होती हैं और जेड के अलोंग भी होती हैं, तो मैथमेटिकली एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, मैथमेटिकली किसी वेक्टर को हम यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं
एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये समझना बहुत जरूरी है। जो लिखा है एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसके बारे में ध्यान से देखिए जो चीज मेंशन की है अभी अभी, कि इसको हम एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ये ए एक्स ए वाई ए जेड में जो एक्स वाई जेड लिखा है ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का मतलब पैर में लिखी हुई है कि इस ए का एक्स के अलोंग क्या प्रभाव है, वाई के अलोंग क्या प्रभाव है और जेड के अलोंग क्या प्रभाव है। प्रभाव को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए along y axis is ay, component of a along z axis is az, sare naam yahan likhunga main abhi। ax kya ho jayega, component of vector a along x axis, ay kya, ay kya ho jayega, component of a along y axis, az kya ho jayega, component of a along z axis। याद रखिए कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब सपोज करो मैंने कंपोनेंट लिखा 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो क्या मतलब हुआ, ax की वैल्यू 6 है, ay की वैल्यू 2 है, कोई भी चीज थी यूनिट नहीं डाल रहा हूं, az की वैल्यू माइनस 3 है, तो इससे क्या इंप्लाइज होता है कि ये प्लस 6 मैग्नीट्यूड का जो भी है फोर्स वेलोसिटी जो भी चीज है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स है, ये इंप्लाइज है, ये पॉजिटिव इंप्लाइज मैग्नीट्यूड नहीं, ये इंप्लाइज ये भी अलोंग पॉजिटिव वाई है, लेकिन ये इंप्लाइज क्या है, नेगेटिव जेड है, अलोंग नेगेटिव जेड, ये जानना जरूरी है कि ये साइन किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट वर्ड होता है, प्रोजेक्शन वर्ड भी समटाइम हम लोग यूज कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कंपोनेंट ही यूज में आएगा। अभी समझते हैं सर, अब क्या फंसी बात ये इसके अंदर कि ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन की शक्ल तो नहीं बनी। अब मैथमेटिकली क्या कहा था, मैथमेटिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोबारा से बोलता हूं, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे आता है, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट से, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट। जैसे कोई कह दे कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो इसका मैग्नीट्यूड सर कितना निकालने वाले हैं, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 36 और 4 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट 7, तो ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। दिस इज द वे वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड। Keep in mind, component can be positive, can be negative. Keep in mind, component can be positive, can be negative. Component can be positive, can be negative, can be zero. अब suppose 2D में बात चल रही थी, तो कोई component नहीं आना था. It means that component was zero. जैसे इसमें क्या जीरो हो गया, az जीरो हो गया, इसको जीरो कर दो तो ये नहीं आएगा, तो ये बच गया, तो ay जीरो हो गया, इसमें ax जीरो हो गया अगर ये हटा दिया तो समझ में आना चाहिए। अब हम मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया, ये निकालना भी आ गया, समझते जाना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खत्म करने जा रहा हूं। अब बसता क्या है, इसके अंदर लास्ट सेगमेंट बसता है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लेना है, हम लोगों को बिठाना है दिमाग में, लास्ट सेगमेंट डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइड को इरेज कर रहा हूं, यहां पर इस बात को एक बार फिर से लिख लेता हूं, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन मैथमेटिकल हो सकती है, डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं
फाइनली हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन मैथमेटिकली। अब समझिए ध्यान से, इसी जगह पर आ जाइए, यहां से डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डायरेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन आ जाती है। समझते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो इस वेक्टर के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में ले जाऊं तो सिर्फ नॉर्थ ही तो बचा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डायरेक्शन। जैसे एफ इक्वल टू 10 आई कैप मीटर में था, एक एग्जांपल लिया था बीच में हमने, तो फोर्स अपॉन 10 मीटर किया तो आई कैप डायरेक्शन आ तो गई, फोर्स में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो डायरेक्शन आ जाती है। अब फर्क क्या है, अब हमारे पास वेक्टर ए की शक्ल जो है वो ये वाली है, तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, लेकिन इसका हमें मैग्नीट्यूड पता है और हमें बात समझ में आ गई है कि किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो डायरेक्शन आ जाती है, और डायरेक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है ए कैप, वो होता है ए कैप। व्हाट वी कॉल इट ए कैप एंड वी से इट कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। इसका एक और नाम है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में चलेंगे उसके अंदर भी, बट व्हाट इट इज डायरेक्शन ऑफ ए। तो मैथमेटिकली डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये मैथमेटिकल नोटेशन आ गया डायरेक्शन का। मैथमेटिकली डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट होती है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट ए कैप। ये मैथमेटिकल डायरेक्शन आ गई, मैथमेटिकल। इसका तुम्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिंपल मतलब है मैथमेटिकल डायरेक्शन। हमने जो एक्स वाई जेड बोला उसके कंटेक्स्ट के अंदर मैथमेटिकल डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कैप, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब इसके बारे में और चर्चा करते जा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, इसको खत्म करेंगे चीज को। डायरेक्शन ऑफ ए आ गया, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, शुरू से लास्ट तक देखते चले जाएंगे तो एकदम क्लैरिटी आएगी, शुरू से लास्ट तक का पूरा एपिसोड ये चलेगा एक साथ तो ही समझ में आएगी बात। आगे बढ़ रहे हैं इसी के अंदर, इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसका सिंबल लिखा था सिंपल ए, तो ए कैप की वैल्यू आ गई, देखना क्या आ गई, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डिवाइड बाय ए, इसको ए लिख सकते हैं हमने, ए लिख दिया, इसको सेग्रीगेटेड कर रहा हूं तो ए एक्स बाय ए प्लस ए वाई बाय ए प्लस ए जेड बाय ए, यहां आई कैप जे कैप और के कैप, देखते जाइए क्या क्या लिख रहा हूं भी, और तो ए कैप की वैल्यू एक और आ गई, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, इसकी शक्ल लिखिए बस, ये आई जे के थोड़े छोटे करके लिख दिए और कुछ नहीं है, ऐसी शक्ल है। कहने का मतलब ये है कि निकालते यूं हैं, कई बार ये शक्ल दे सकता है, मैं नंबर ही दे दूं कि ए कैप इक्वल टू टू आई कैप, कोई फॉर्मेट दे दूं मैं आपको लिख के कि 0.6 आई कैप या आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू है, कोई फॉर्मेट बना के दे दी मैंने आपको, कोई भी फॉर्मेट, या 1 बाय रूट टू आई कैप प्लस 1 बाय रूट टू जे कैप है, ऐसा फॉर्मेट दे दूं कोई मैं, तो ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप का फॉर्मेट है, तो सिंपल बताया है कि ये इसका फॉर्मेट है। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसी तरीके से लिखी जाती है, ये एक वेक्टर आ गया आपके पास, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसे हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए का अब मैं निकलवा रहा हूं मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली भी, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, अभी मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन दे रहा हूं, बाद में इस चीज का नाम ही बदल दूंगा,
आप समझिएगा, है तो ये खुद ही वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट। ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आगी ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, स्मॉल ए एक्स की वैल्यू कितनी है? कैपिटल ए एक्स बाय ए। ए वाई की वैल्यू कितनी है? कैपिटल ए वाई बाय ए। ए जेड की वैल्यू कितनी है? कैपिटल ए जेड बाय ए का स्क्वायर रूट। ये सारा बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये खुद ए स्क्वायर है तो ये कट के आ गया वन, यानी इसका मैग्नीट्यूड होता है वन। तो इस डायरेक्शन को हम लोग इस ए कैप को एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका नाम है नया आज से यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को तुम दो तरीकों से बोलोगे। एक तरीका बोलने का क्या रहेगा यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड इट हैव मैग्नीट्यूड वन। इसका मैग्नीट्यूड एक होता है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज वन, इट्स मैग्नीट्यूड इज वन। अभी बताता हूं इसके बारे में और चीज देखते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, वो सेगमेंट हटाते हैं, एड ऑन कर रहे हैं चीजों को, कंटिन्यूटी में चीजें चल रही हैं। देखते जाइए, ए कैप की वैल्यू आ चुकी है यहां पे। हमने क्या बोला? यूनिट वेक्टर। समझना डियर, ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे आता होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। चेक कीजिए क्या कहा जा रहा है। यूनिट वेक्टर क्या बोल रहे हैं? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी नहीं है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। बहुत आसान सी चीज है, समझ में आ जानी चाहिए। अभी प्रूव किया, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड प्रूव कर दिया और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, शुरू से बात कर रहे हैं। समझेगा इस बात को, इसका मैग्नीट्यूड एक होता है, यूनिट होता है। तभी मैंने कहा तुम्हें कि 10 न्यूटन का वेक्टर एक्स के अलोंग लिखो, तो तुमने सिंपली कहा 10 आई कैप। अब इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मैग्नीट्यूड को 10 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर आएगा? 10 के मैग्नीट्यूड का वेक्टर आएगा 10 आई कैप न्यूटन में। समझ में आ गया होगा कि 10 न्यूटन का कैसे लिखा गया बच्चों वेक्टर। तो हमें क्या पता लगा, क्या पता लगना चाहिए था इसमें, कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या एडवांटेज है अभी और देख रहे हैं इसी के अंदर, समझिएगा। एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। डायरेक्शन का मतलब मैथमेटिकल डायरेक्शन हो गया, या फिर बोला जा सकता है फाइंड यूनिट वेक्टर्स अलोंग फॉलोइंग वेक्टर्स। एक ही बात है। तो पहला क्वेश्चन दे दिया तुम्हें आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा दे दिया आई कैप माइनस जे कैप, थर्ड दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फोर्थ दे दिया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, पांचवा दे दिया तीन आई कैप प्लस चार जे कैप। इनकी डायरेक्शंस निकाल के रखनी है, तो करना क्या, इनके मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे। और आसान सी चीज़ है, यही इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ सामने। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? इसका ए एक्स वन ए वाई वन, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया रूट टू। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। कंपोनेंट कैन बी नेगेटिव, कीप इन माइंड। तो ए एक्स तो वन है लेकिन ए वाई माइनस वन है,
कितना आ गया ये वाला बच्चों, ये भी आ गया रूट टू। इसका कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज रूट थ्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, साफ दिखाई दे रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वन स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट, नौ और चार तेरह और एक चौदह फोर्टीन स्क्वायर रूट। इसका कितना आ जाएगा, तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया आ गया पांच। और यूनिट वेक्टर निकालो तो कैसे करेंगे, इस वेक्टर में इनके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करना है। आसान सी चीज है कि कैसे यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट किया गया, फाइंड किया गया। दो क्वेश्चन और ले रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आराम से करके बताइएगा जी। सपोज कर तुम एक वेक्टर दिया हुआ, क्वेश्चन की वर्डिंग सुनना, दो क्वेश्चन और ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, इन दो क्वेश्चन से काफी क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन की वर्डिंग सुनिएगा ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है, वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 0.6, ऐसे गिवन है ए कैप इक्वल टू 0.6 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप, इतना लिखा हुआ, लिखा है फाइंड सी, लिखा हुआ है कि ए कैप की वैल्यू इतनी है, फाइंड सी। अब इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना ही बताया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वन। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान से हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट शुड बी इक्वल टू वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, ये 0.36 हो गया, ये 0.16 हो गया और ये सी स्क्वायर। जवाब दो जी, सबको समझ में आ ही गया होगा, इसको किया तो 0.58 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, इधर लेके आए तो 0.48 बच जाएगा, ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक से फालतू लिख देता हूँ, 1 माइनस 0.52, तो ये 0.48 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.48 का स्क्वायर रूट। दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू सी। लेकिन पहचानना क्या था कि ए कैप गिवन है, ए कैप गिवन है इसका मतलब यूनिट वेक्टर गिवन है। फिजिक्स सिंपली फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगी, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए ये मैथमेटिकल अप्रोचेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ना सीख लीजिए, ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर गिवन है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, इसके अलावा इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं रहेगा, ए कैप का मैग्नीट्यूड वन होता है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जी, कह रहा है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 14 अलोंग ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 14 अलोंग ए, इसका मतलब समझिए, इस क्वेश्चन को दो तीन बार अपने दिमाग में बोलिए, फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 14 अलोंग ए, अलोंग ए। अब मान लो ये आपके पास कोई एक्स वाई जेड डायरेक्शन हो गई है और कोई वेक्टर आपके पास आ गया है, कोई वेक्टर कहीं भी आ गया, उसके एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई वेक्टर आपके पास आ गया है इस तरीके से और उस वेक्टर की आपको बात करनी है, चेक करना क्या बोल रहा हूं, इस तरीके से आपके पास ये तीन एक्सेस हो गए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कोई वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर के अलोंग कोई वेक्टर चाहिए, डिमांड क्या है, फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 14 अलोंग ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो क्या आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा रहेगा, बहुत सिंपल सा, लिखने का तरीका ये होगा कि वैल्यू तो हो बी की जो निकालनी है, मैग्नीट्यूड बी का 14 हो लेकिन डायरेक्शन ए की हो। फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 14 अलोंग ए, तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन किसकी, अलोंग ए, अलोंग ए, तो ए की डायरेक्शन कैसे आएगी, ए की डायरेक्शन आएगी वेक्टर ए अपॉन ए के मैग्नीट्यूड से। तो जो ये लिखा है, इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, अगर ये आ गया तो फिजिक्स आसान है, अगर ये बात बोलनी तुम्हें नहीं आती है तो फिजिक्स तुम्हें बहुत परेशान करेगी बच्चों। ये चीज बोलना शुरू से सीखिए, फाइंड अ वेक्टर ऑफ बी, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, सेंस समझना है, फाइंड अ वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 14 अलोंग ए,
तो वेक्टर इक्वल टू पता होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन चाहिए, 14 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ए की, तो 14 इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, 14 वेक्टर ए ये पड़ा 2i माइनस 6j प्लस 3k डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया 7, 4 और 36 40 और 9 49 7 7 2 जा, तो आंसर आ गया 4i माइनस 12j प्लस 6k। यहां तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत आसान से डिस्कशन थी सारी की सारी। आज के डिस्कशन में हमने, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं बात की, वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन पहला बड़ा सिंपल सा था, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बात कर रहे थे जो कि बहुत आसान थी, डायरेक्शंस वो वाली भी हमें आनी चाहिए, फिर हमने डायरेक्शंस को आई जे के में डिसाइड किया, फिर समझ में आया कि आई जे के से बात नहीं बनेगी सिर्फ, हमें कभी ना कभी प्लेन में मोशन स्टडी करना होगा। जब हमें प्लेन में मोशन स्टडी करना होगा तो वैक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मेट का जाएगा कि वो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप के फॉर्मेट का आएगा। अगर वो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप के फॉर्मेट का आएगा तो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सारा प्रोसेस हमने आज सीखा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसके बारे में डिस्कशन की। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था वेक्टर्स के ऊपर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, उनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ओके बच्चों।